अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद खलील जमा आप तमाम का सीएनआई न्यूज में खैर मकदम करता हूं। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। डॉलर्स के एक्सचेंज करते हुए चीट करते हुए एक आदमी को हम लोग पकड़े गए, आज उनको अरेस्ट कर दिया। उसका नाम है सुलेमान सिद्दीकी अलिया सुलेमान, नेटिव गोवा की है। गोवा से आके देन वहाँ पे रियल एस्टेट बिजनेस स्टार्ट किया, एक मिशन की जॉब से देन स्लोली कॉन्ट्रैक्टिंग तक चले गए, पैसा भी कमाया। उसके बाद ऑलमोस्ट बहुत सारे प्रॉपर्टीज वहाँ पे किया। बाद में रिसेशन के टाइम 2007 और 2008 के टाइम में रिसेशन था, सो रियल एस्टेट की डाउन होने से देन अगेन वो खराड को शिफ्ट हुआ। खराड से शिफ्ट होकर देन ही केम डाउन टू पुणे। पुणे में ही गॉट इन टू ट्रबल दिस गजानन मारने गैंगस्टर, उसकी थ्रेट की वजह से वो इमीडिएटली वहाँ निकल के देन ही वेंट बैक टू गोवा। गोवा में अगेन ये एक मर्डर केस में एक 75-year-old लूसिया फर्नांडिस करके एक लेडी को मर्डर किया, वो उसके साथ एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था। वहाँ से उनका साथी लोग 5 लोग अरेस्ट हो गए, वो मेन एक्यूज था। वहाँ से एक्सपॉन्ड होकर अगेन नागपुर में पुणे को आया। पुणे में आते वक्त अगेन वहाँ पे एक चीटिंग केस में विमल राव देशमुख की केस में अरेस्ट हुआ, उसमें 100 डेज यरवाड़ा जेल में था। बाहर आते ही वो सुरेश भोसले के थ्रू एक कंट्रीब्यूट वेपन लिया, देन अगेन वेंट बैक टू नागपुर, नागपुर से बेंगलुरु गए। बाद में बहुत सारे घूम के देन अगेन वेंट बैक टू गोवा। वहाँ पे पुलिस पीछे पड़ने से वो आके फिर अगेन संगारेड्डी कंदी में सेटल हो गए। यहाँ पे ये मेन एड्रेस बिजनेस किया। इस बीच में एक फ्रेंड के थ्रू एक किनार कुमार गए, तो वहाँ पे एक आदमी ने ये डॉलर के नाम से चीट किया। वो जब विक्टिम को पूछे क्यों पुलिस कंप्लेंट दे रखे थे, ये इलीगल बिजनेस है, कंप्लेंट करे तो पुलिस वाला पीछे पड़ते, गवर्नमेंट पीछे पड़ते करके बताने के बाद उसको आइडिया आया कि हम लोग डॉलर के नाम से बहुत सारे चीटिंग कर सकते थे। तो 3 कंप्लेंट्स आया, ऑलमोस्ट 30 लाख दो केसेस में डॉलर के नाम से चीट किया। एक केस में इंडियन करेंसी के नाम से 30 लाख रुपीज चीट किया। सो उनके थ्रू हम लोग 26 लाख रुपीज कैश, 15,000 रुपीज US डॉलर्स, गोल्ड डिमोनेटाइजेशन के टाइम में भी बहुत सारे लोगों को चीट किया। फिर ऑलमोस्ट 5.74 लाख रुपीज का गोल्ड डिमोनेटाइजेशन अमाउंट में सीज किया। 304 ग्राम्स गोल्ड और 3-4 कार को सीज कर प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स को सीज करके आज उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। उसका प्रॉपर्टी डिटेल पेपर्स भी सीज किया उनको। फिर अगेन हम लोग पुलिस इंटरव्यू करके उसको फिर अगेन इंटरव्यू करने के बाद फिर अगेन थोड़ा केसेस को करने का चांस है।